अस्सलाम वालेकुम। ये हतीम है, हतीम के अंदर नमाज पढ़ना ऐसा है कि जैसे खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पहुँचने की सआदत मिल गई है इंशाल्लाह अज़ीज़। बस ये हजूम ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह हमें भी सआदत, नमाज पढ़ने की सआदत मिलेगी इंशाल्लाह। ये हतीम है, ये सारे लोगों का रश देखें माशाल्लाह। हतीम, हतीम के अंदर नमाज़ पढ़ना ऐसा है जैसे खाना काबा के ऐन खाना काबा के अंदर। माशाल्लाह सुभानअल्लाह। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को यहाँ बार बार हज और उम्रा की तौफीक अता फरमाए, बार बार नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए यहाँ पर। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की खैर फरमाए था। अल्लाह पाक तमाम मुसलमान जो दुनिया से चले गए उनकी मगफ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक जितने परेशान हाल हैं सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह पाक जितने मुसलमान बीमार हैं उनकी बीमारियाँ दूर फरमाए। या अल्लाह पाक जितने परेशान हैं सबकी परेशानियाँ दूर। या अल्लाह पाक जितने बे औलाद हैं सबको नेक साले औलाद अता फरमाए। या अल्लाह पाक जितने मुसलमानों ने भाइयों ने दुआओं के लिए कहा, या अल्लाह पाक तू बेहतर जानता है उनके दिल के हालात, उनकी दिल की नेक जायज़ तमन्ना को दूर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, तमाम मुसलमानों की बरकत अदा फरमा। या अल्लाह पाक जो जो नेक बे औलाद है उनको नेक साले औलाद अदा फरमा। मेरे मामू जान को, मेरे भाई को, मुझे और भी जितने मुसलमान बे औलाद हैं सबको नेक साले औलाद अदा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह पाक नेक साले औलाद अदा फरमा। या अल्लाह पाक जितने भी मुसलमान परेशान हैं अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ मुसीबतें दूर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह पाक सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रख। या अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। या अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान को दुश्मनों से बचा। या अल्लाह पाक जो मुल्क पाकिस्तान को मिटाने का सोच रहे हैं या किसी भी किस्म की कोई मुल्क पाकिस्तान के साथ धोखादही कर रहे हैं, या अल्लाह उनको नस्त नाबूद फरमा। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान को रहती दुनिया तक कायम उदाय फरमा। या अल्लाह पाक क्लोज।